फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडू के प्रेडिक्शन। गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 7 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। दोस्तों, अगर मैच के पूरी अपडेट है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 4 अप्रैल को। इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वही पहली टीम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही, तो वही 2 मैच जीत के आ रही है। वही दूसरी टीम अगर गुजरात टाइटंस की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही, तो 1 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे गुजरात टाइटंस 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैच में, तो जहां पे दिल्ली कैपिटल्स 0 मैच जीत के आ रही, तो वहीं गुजरात टाइटंस 1 मैच जीत के आ रही है। तो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे भी गुजरात टाइटंस 1 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 3 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे दिल्ली कैपिटल्स का 50% देखने को मिल रहा है, तो गुजरात टाइटंस का 70% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स का 161 है, तो गुजरात टाइटंस का 164 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स का 207 है, तो गुजरात टाइटंस का 199 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स का 117 है, तो गुजरात टाइटंस का 133 है। तो ये नए दो टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे कंपेरिजन के मामले में दोनों का इक्वली परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब आगे बात करते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो हैजी सनशाइन दिखने वाली है। वहीं अगर सेल्सियस की बात करें तो 28.8 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगी। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 41% रहने वाली, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे फर्स्ट इनिंग में 164 रन में भी लग सकती है। वही अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 148-145 के रेंज में रन लग सकते हैं। इस पिच पे अगर देखें तो अभी तक टोटल 78 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे अगर जो भी टीम टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। पिछले सीजन की बात करें तो पिछले सीजन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो उम्मीद है कि दिल्ली कैपिटल्स से इस बार भी 2023 का जो आईपीएल हो रहा है, इस लीग में जो जो टीम के साथ खेलेगी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। वहीं अगर दूसरी टीम गुजरात टाइटंस की बात करें, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों टीम काफ़ी स्ट्रांग है, एक दूसरे को काफ़ी अच्छे बीट भी कर सकते हैं। तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोग जोर देखिएगा। और जैकपॉट होने की भी संभावना है इस मैच में। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फिर दो टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम दिल्ली कैपिटल्स के की प्लेयर की बात करें तो डेविड वार्नर, रोवन पॉवेल, मिचेल मार्श, चेतन सकरिया। वहीं दूसरी टीम अगर गुजरात टाइटन्स के की प्लेयर की बात करें तो हार्दिक पांड्या, राशिद खान, राहुल तेवतिया, शुभम गिल। तो ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली हमने अभी सारी चीज़ डिस्कस कर ली। अब चलते हैं टॉस की ओर। आज का टॉस कौन जीत सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग आज का टॉस गुजरात टाइटंस होगी। क्योंकि अगर विनर की बात करें तो देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए गुजरात टाइटंस हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।